हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 3 फ्रॉम यूनिट 5 डिवीज़न। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास इसमें क्या दिया गया है, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि पूछा गया है मल्टीप्लिकेशन, तो ध्यान रहे कि जब भी आपसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट पूछा जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा। एंड द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे करके दिखाया गया, फर्स्ट 8 / 4 इज इक्वल टू 2। हमने अभी सीखा कि डिवीज़न कैसे होती है, कि जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है, 2 आता है। तो आपको इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फाइंड आउट करना है हमने। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, अब इसका क्वेश्चन ये बन गया कि ऐसे कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करें जो हमें गिवन है, जो 3 नंबर्स, इनमें से किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आए, जब वापस 8 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जिससे हमने डिवाइड किया है और जो हमारा क्वेश्चन आएगा, दोनों का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। क्लियर। अब सिमिलरली हमें दिया गया 25 और 4। ध्यान रहे कि जिन दो को ये मल्टीप्लीकेशन होती है वो थर्ड के इक्वल आने चाहिए। अब जैसे इसमें 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 4 का क्या हो जाएगा, 20। 24 / 8 इज इक्वल टू 3, तो अगेन क्या हो जाएगा, 8 / 3। नेक्स्ट आ जाएगा 27 है तो 9 और 3। अब 9 और 3 की क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 9 3 27। नाउ 90 / 10 इज 9, सो 10 / 9 इज 90। तो ये हो जाता है इनका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। एग्जाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है जब डिवीज़न फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आता है, तो उसमें बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जब पूछा जाएगा तो रिजल्ट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में रिजल्ट आएंगे, और जब डिवीज़न फैक्ट की बारी आएगी तो वहाँ पर प्रोडक्ट में डिवीज़न के साइन आएंगे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव गिवन फिलिंग द प्लेस होल्डर्स। फर्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जो हमने अभी ऊपर सीखे, आपको वो दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको डिवीज़न फैक्ट फाइंड आउट करने हैं। तो आपको फर्स्ट दिया गया है 4 / 9 = 36, यानी कि ये हमारे क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जो रिज़ल्ट उनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। अब हमने इसके डिवीज़न फैक्ट लिखने हैं 2, तो 36 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि 9 है। ये ध्यान रहे कि कोई हम अनदर नंबर नहीं ले सकते, जो हमें दिए गए हैं उन्हीं नंबर्स का हमने यूज़ करना है। अब अगर हम देखें यहाँ पे 36 और 9 यूज़ हो गया है, मिसिंग कौन सा है, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अब 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। अब इसी को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट ये सॉल्व करते हैं, 36 भी है हमारे पास, 4 भी है, मिसिंग नंबर कौन सा है, 9, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ ही क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। नाउ आपको दिया गया है 5 / 6। अब 5 और 6 की मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आएगा, 5 6 = 30। आप देखो यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर्स दे दिए गए हैं, अब ये दोनों ही बॉक्स एम्प्टी हैं। तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट बॉक्स है और आप डिवीज़न कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि जो फर्स्ट बॉक्स जो नंबर है वो हमेशा सेकेंड बॉक्स के नंबर से बिगर मिलेगा आपको, या फिर इक्वल आएगा। तो अब अगर हम ध्यान करें यहाँ पर 30, अब ये दो नंबर मिसिंग है, एक तो 6 हमने ऑलरेडी दे दिया, 30 मिसिंग है और 5 मिसिंग है, तो हम यहाँ पे 30 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5। ऐसा नहीं कर सकते आप कि यहाँ पे 5 लिख दो और यहाँ पे 30, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। 30 को ही 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 30 एज इट इज़ आ जाएगा, और मिसिंग नंबर कौन सा है, 6, तो क्या हो जाएगा, 30 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। अब अगर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे दोनों नंबर मिसिंग है, 48। अब ये आपने नहीं सोचना है कि मैं दो कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी 48 आ जाए, हमें जो बाकी के हैं वो भी चेक करने होंगे। अब देखो यहाँ पे एक और नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 4। अब दो ही नंबर हमें दिए गए हैं, एक तो 48 दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो आप जब चेक करेंगे कि 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 48 आ जाए, तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 12 से कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 48। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12 / 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 48। और अब हम देखें यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा है, 12, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तीनों ही मिसिंग है। क्लियर। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो फर्स्ट बॉक्स है और अगर डिवीजन का साइन है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 48। और आप देखेंगे यहाँ पे 4 ऑलरेडी इसने यूज़ कर लिया पहले, तो अब नेक्स्ट नंबर कौन सा मिसिंग है हमारा, 12, और रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 4। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में, और इस तरीके से आपको रिजल्ट भी दिए हों हाफ, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है आपको, फिर अगेन 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं और रिजल्ट है 72। अब हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे 72 गिवन है और नंबर हमें एक और मिल गया। देन और इधर हम चेक करते हैं तो नंबर एक और भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे,
इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे तो 8 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर क्या आ जाएगा 72। नाउ 72 को किससे डिवाइड करेंगे कि 8 आए, मिसिंग कौन सा है 9, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 9। नेक्स्ट, अब दोनों ही मिसिंग है तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब मिसिंग दोनों हो यानी कि यहाँ पे डिवाइड का साइन भी हो तो जो पहले नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, बड़े वाला। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 72 और यहाँ पे आंसर में 9 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो 72 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका ई पार्ट, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 है। अब इस तरीके को क्वेश्चन तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं फिर, बट फिर भी हमें चेक करना होगा। देखो 7 7 ही गिवन है, क्यों दिया हुआ है कि 7 की जब हम 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 49। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है दोनों बॉक्स खाली हैं, एक हमारे पास नंबर 7 है और एक 49, और यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, बड़े वाला आएगा। तो 49 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 7। अब फिर वही सेम, फर्स्ट टू ब्लैंक है तो पहले बड़े वाला नंबर आएगा एंड देन क्या आएगा 7। तो ये हो जाता है आपका, इस तरीके से जो हम डिवीज़न फैक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको दिए हों या मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें डिवीज़न फैक्ट गिवन हो। अब हमारा जो क्वेश्चन थर्ड आ जाता है, राइट टू डिवीज़न फैक्ट। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में और डिवीज़न फैक्ट में। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट की जब हम बात करते हैं तो आंसर हमेशा मल्टीप्लाई की फॉर्म में आता है, और अगर हम डिवीज़न की बात करते हैं तो आंसर हमेशा डिवीज़न की फॉर्म में आता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3 × 5 = 15, यानी कि ये आपको क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिए गए हैं, क्लियर। और आपको डिवीज़न फैक्ट फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर 2 दिए गए थे 3 और 5, आंसर कितना था 15। तो हम कहने क्या किया, पहले 15 को 5 से डिवाइड कर दिया, फिर 15 को 3 से डिवाइड कर दिया। तो जब भी आप एग्ज़ाम में डिवीज़न फैक्ट फाइंड आउट करेंगे तो ध्यान रहें कि जब जो बड़ा नंबर है उन्हें पहले ही लिख लो, उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमें दिया गया 7 × 1 = 7 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 7, दोनों ही प्लेस पर 7 आएगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं डिवाइड की, तो दो नंबर मिसिंग है, ये नंबर और ये नंबर, तो या तो हम पहले यहाँ 1 लिख देंगे तब भी आंसर कितना आएगा 7, और जब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, क्लियर। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 4 × 9 = 36, तो अगेन हम पहले 36 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम क्या लिख लेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9, और जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। नाउ 6 × 9 = 54, अगेन हम यहाँ पे 54 और 54 पहले ही लिख लेंगे। अब 54 को मैं किससे डिवाइड कर दूँ, पहले 6 से, तो आंसर कितना आ गया 9, और जब मैं 54 को डिवाइड करूँगी 9 से तो आंसर क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट आता है 2 × 8 = 16, नाउ 16 / क्या हो जाएगा 2 = 8, एंड द लास्ट इज 16 / 8 = में क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपने करने हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को आप चलाकर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।